हेलो, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ओपिके कार्ड रीडिंग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आर यू अवेक, क्या आप जागृत हैं आध्यात्मिक रूप से, क्या आपकी जागृति हो चुकी है। और अगर आपकी आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है तो आप कौन से लेवल पर है, कौन से स्टेज पर है। हालांकि हम किसी भी प्रोसेस को, क्योंकि प्रोसेस ये एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है, किसी भी और प्रोसेस की तरह आध्यात्मिक जागृति भी एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है। आप इसको अलग अलग स्टेजेस में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से सभी, चाहे साइंस की बात करें या मैथ्स की बात करें, हम प्रोसेस को, एक कंटिन्यूस प्रोसेस को स्टेप्स में बांट देते हैं ताकि हमको उसको समझने में आसानी हो। तो आज की पिके कार्ड रीडिंग से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आप आध्यात्मिक जागृति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो आप कौन सी स्टेज में हैं, आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करके निकल चुके हैं, कौन कौन से हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर चुके हैं, कितना बैलेंस आप पा चुके हैं, और इस वक्त में आप हीलिंग की कौन सी स्टेज में, यानी आप कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और साथ हम ये भी देखेंगे कि इन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को अगर आप इनसे आगे बढ़ना चाहें, इनसे आगे निकलना चाहें, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको टैरो की गाइडेंस भी मिलेगी। तो एक कंप्लीट, अगर आप इस कंप्लीट रीडिंग को देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंसाइट मिलेगी कि आध्यात्मिक जागृति के पथ पर कौन कौन सी अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं, और उनको हम कैसे हील कर सकते हैं, उनसे हम कैसे आगे निकल सकते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए। ये सारी कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी आपको इस रीडिंग के अंदर। अगर आप आध्यात्मिक जागृति की स्टेजेस को फाइंड करेंगे, खोजेंगे, तो आपको अलग अलग तरह के वीडियोस मिलेंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ इसको 4 स्टेजेस में, कुछ 6 स्टेजेस में, कुछ 10 स्टेजेस में, कुछ 12 स्टेजेस में, इस तरीके से अपने अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसको बांट देते हैं। लेकिन नंबर ऑफ स्टेजेस चाहे कितनी भी होती है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसलिए आप इसे कंपेयर ना करें कि आपने वो स्टेज बताई थी, उस पर्टिकुलर ने वो स्टेज बताई, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेजेस सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। नंबर ऑफ स्टेजेस पर मत जाइए, कौन से नंबर की स्टेज है इस पर आप मत जाइए, लेकिन जो डिटेल्स आपको मैं इस रीडिंग में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उन डिटेल्स को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पिके कार्ड रीडिंग है। अभी हम आगे निकल कर देखेंगे कैसे कार्ड इसके अंदर आएंगे, तो हो सकता है कि किसी किसी पाइल के अंदर एक से ज़्यादा स्टेजेस की एनर्जी नज़र आ रही हो, किसी पाइल में सिंगल स्टेज की एनर्जी नज़र आ रही हो, तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। दूसरी चीज़, स्टेजेस जो होती है वो कंटिन्यूस भी नहीं होती है। अगर आप जैसे फर्स्ट स्टेज में होंगे तो आप सेकेंड में ही जाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड में ही जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर देते हैं, कुछ लोग फर्स्ट स्टेज के बाद में डायरेक्टली थर्ड स्टेज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के आध्यात्मिक जागृति में जो अनुभव होते हैं वो सिमिलर अनुभव हो। कुछ लोगों को जिस सीक्वेंस में अनुभव होते हैं, दूसरे लोगों को उनकी सीक्वेंस अलग हो सकती है, उनके अनुभव अलग हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताने वाली हूँ वो मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। आपके एक्सपीरियंस मुझसे अलग हो सकते हैं, इसलिए ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है या ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं कर सकती है। मेरा आपका मदद करने का प्रयास है। अगर इसमें मैं सफल होती हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपको इसमें से कुछ दे पाई। और अगर आप इसे रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप इस रीडिंग को क्लिक ऑफ कर दीजिए। ऑफेंडेड फील मत कीजिए या आर्ग्यू करने की कोशिश मत कीजिए कि आपने ऐसा बताया, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आध्यात्मिक जागृति के पाथ पर आप कहाँ तक बढ़े हैं, कहाँ अटक रहे हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है। मेरी एक जेन्युइन मैंने प्रयास किया है, कितनी सफल हो पाऊंगी ये मुझे आप कॉन्टैक्ट कमेंट करके बताइएगा वीडियो के बाद, कि क्या आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए। चलिए शुरू करते हैं आज की पिके कार्ड रीडिंग। तो क्या आप आध्यात्मिक रूप से एक जागृत आत्मा है, क्या आप एक स्पिरिचुअली एनलाइटन, स्पिरिचुअली अवेकन सोल हैं या नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आपने अब तक जितना अपना हीलिंग वर्क किया है, तो आप उस हीलिंग वर्क में आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज क्या है, आप अभी तक जागृति के पाथ पर कितना आगे बढ़े हैं, तो ये रीडिंग आपको मदद कर सकती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के डिफरेंट स्टेजेस हमको इन पाइल्स के अंदर नज़र आने वाले हैं। अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि कार्ड्स मैंने नहीं देखे हैं। जस्ट आपके सामने जो मुझे सबसे प्रॉमिसिंग जो छवियां लगी थी वो छवियां मैंने आपके सामने कर दी हैं। पीछे की कार्ड्स की डिटेल्स मुझे भी अभी कोई आइडिया नहीं है।
लेकिन आगे के जो फर्स्ट कार्ड्स हमारे पास में आए हैं, इनसे अगर आप रेजोनेट करते हैं किसी एक छवि से या एक से ज़्यादा छवि से, तो आप अपने लिए चूज़ कर लीजिए कि आप किस पाइल के साथ जाना चाहेंगे। तो हम पता लगाएंगे कि आप क्या उसी तरह के सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, या अगर उस तरह के सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो आप अवेकनिंग की कौन सी अवस्था में हैं आप, और आपको आगे इस वक्त में क्या काम और करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी चुनी हुई पाइल से आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरी पाइल पर जंप कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं तो एक से अधिक अवस्थाओं में एक साथ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेज को अनुभव कर रहे हों तो दूसरी स्टेज के अनुभव आपको उस समय में नहीं हो रहे होते हैं। इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा मिक्स्ड एनर्जीज हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि आप एक से अधिक पाइल्स की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हों, या आप चुनाव करने में असमर्थ हों कि आपको किस पाइल के साथ जाना चाहिए। तो आप इस पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं ताकि आप एक कंक्लूजन निकाल सकें कि आप कौन सी स्टेज में अधिक हैं और कौन सी स्टेजेस को आप इस समय में कम महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने तीन पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 इज द बटरफ्लाई पाइल, पाइल नंबर 2 इज द बी, एंड द पाइल नंबर 3 इज द आउल पाइल। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मुझे समय लगेगा। अगर आपके पास पूरा समय है तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं शुरू करूंगी पाइल नंबर 1 द बटरफ्लाई कार्ड के, द बटरफ्लाई पाइल के साथ। उसके बाद सेकंड पाइल रहेगी द बी पाइल, और थर्ड पाइल होगी द आउल पाइल। बने रहिए मेरे साथ इस रीडिंग में आखिर तक। तो पाइल नंबर 1 के कार्ड्स आपके सामने हैं, बटरफ्लाई कार्ड। उसके बाद हमारे पास कार्ड नंबर 10 जो कार्ड है, ये है अकुमा स्पिरिट मास्क कार्ड। थर्ड कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, गोल्डन स्पाइरल कार्ड, डेजर्ट पैसेज कार्ड, टेकिंग एक्शन कार्ड, पिलर ऑफ लाइट कार्ड, एंड एवरी रिलेशनशिप आई एस्टेब्लिश इज इटर्नल कार्ड। ओके, पहली चीज़ तो जैसा कि आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा क्योंकि आप लोगों ने बटरफ्लाई को चूज़ किया है। बटरफ्लाई इज अ कार्ड ऑफ बटरफ्लाई इज अ साइन सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का प्रतीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। तो यस, यू आर ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, यस यू आर ऑन अ सोल डेवलपमेंट जर्नी। डेफिनेटली आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप में खूबसूरत बदलाव लाने की, सोल इवोल्यूशन की पाथ पर आप डेफिनेटली हैं। ओके, इट इज़ अ यस। अगर पहला क्वेश्चन जो है आपका कि क्या आप आध्यात्मिक जागृति के पाथ पर हैं, यस यू आर ऑन अ सोल जर्नी, डेफिनेटली यू आर। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आप इनिशियल स्टेजेस में हैं, या तो या फिर आप इनिशियल स्टेजेस को पार कर चुके हैं। यानी कि अगर हम, मैं आपको परसेंटेज के अंदर बताऊं, अगर 100% अगर हम बात करें कि 100% इज इक्वल टू टोटल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर लाइक 30-40% आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इस समय में हो चुका है। चीज़ें अभी भी बहुत सारी बदलनी बाकी हैं, चीज़ों में बदलाव अभी बहुत सारे बाकी हैं। मैं अभी आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के पाथ पर हैं। कुछ स्टेजेस आपने पार कर ली हैं और दूसरी नई स्टेजेस की दिशा में आप बढ़ने को तैयार हैं। अगर हम इन जनरल बात करें तो पहली स्टेज को हम वेकअप कॉल कहते हैं। तो वेकअप कॉल का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा चेंज आता है, कुछ ऐसा कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, या फिर किसी तरह का रिलेशनशिप में बहुत बड़ा कुछ ऐसा बिग चेंज आपकी लाइफ में, सडन लार्ज चेंज आपकी लाइफ में आया हो, जिसकी वजह से आप सोते से जागे हो, जैसे आप नींद से जागे हो, जैसे आपको ये लगा हो कि लाइक वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, स्टॉप, आई हैव टू स्टॉप हियर, मुझे चीज़ों को फिर से ठीक से समझना होगा, व्हाट एम आई डूइंग, मैं ये क्या कर रहा हूँ, या मैं अब इस चीज़ को और आगे नहीं कैरी कर सकता, मुझे बदलना होगा, मैं इस रास्ते पर आगे और नहीं जा सकता। इस तरह के रियलाइजेशंस आपको पास्ट में हुए होंगे और उनकी वजह से
और आपकी लाइफ काफ़ी क्योटिक हो गई होगी, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक आपकी लाइफ हो गई होगी, और आपको लगा होगा कि जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ, अगर इसी तरीके से जीता रहा हूँ तो दिस इज़ नॉट अ लाइफ, दिस इज़ अ डैड एंड ऑफ माई लाइफ। यहाँ से एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैंने नहीं किया, अगर मैंने एक बड़ा चेंज अपनी लाइफ में नहीं किया, तो आई एम गोइंग टू डाई और आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन सच सिचुएशंस। इस तरह के किसी झटके से वजह से आपको वेकअप कॉल आया है, इस वजह से आपको ऐसा लगा है कि नहीं, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका ईगो पर बहुत बड़ा झटका लगा है, आपके अहंकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है, या आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसे कि कुछ ऐसी घटना घटी होगी, आपके पैरों से ज़मीन खिसक गई हो, कि बदलने के सिवा आपको ये रास्ता ही नहीं बचा है। इस तरह का कुछ ना कुछ आपके साथ में हुआ है, किसी घटना ने या किसी इंसान के साथ के किसी रिलेशन ने आपको इस तरीके से तोड़ा है कि जैसे आपको ऐसा लगता हो कि आई एम नो बॉडी। लोग आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर नथिंग, आई एम नथिंग। उस स्टेज की मतलब ईगो शैटरिंग, इस तरह के ईगो जॉल्ट से आप गुजरे होंगे मुझे ऐसा लगता है, और फिर आपको लगने लगा हो कि लाइफ का डीपर मीनिंग मुझे तलाश करना है, मुझे इस केओस से एक शांति वाली लाइफ चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे अपने लिए पीस चाहिए, और आप स्पिरिचुअल पाथ पर आ गए, जिसको हम वेकिंग अप बोलते। तो पहला जो स्टेज है वेकअप कॉल जिसको हम कहते हैं, वो आपको आ चुका है। वेकअप कॉल आपको आने की वजह से आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हो, और एंटर करने के बाद में आपने खुद पर बहुत सारा वर्क किया है, मे बी मेडिटेशंस किए होंगे, मे बी कुछ आपने चैंटिंग्स की होंगी, आपने कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइजेज करना, कुछ डीप हीलिंग, पर्जिंग, इस तरह की एक्सरसाइज आपने की होंगी, कंटेम्पलेट करना, सॉलिट्यूड में वक्त बिताना, अकेले बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में विचार करना, अपनी पोजीशन के ऊपर क्लैरिटी पाने की कोशिश करना कि जो हुआ वो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, मेरी क्या गलती रही, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। इस तरह से काफ़ी लंबे समय तक आपने कॉन्टेम्पलेशन किया है। तो दूसरी वाली जो हमारी स्टेज होती है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिट्यूड स्टेट, आप मुझे लगता है कि आपने काफ़ी लंबे समय तक, जैसे एक बटरफ्लाई जब बनती है तो कैसे कैटरपिलर अपने आप को कोकून में बंद कर लेता है, कैसे अपने आप को सारी दुनिया से कट ऑफ करके अलग कर लेता है, और फिर अपने अंदर एक सॉलिट्यूड में रहकर बदलाव करता है, और क्लैरिटी पाने के लिए आपने भी लोगों से अपने आप को कट ऑफ किया हो और अपने आप को अलग किया हो कुछ समय के लिए, डीप मेडिटेशंस में आपने समय बिताया हो, खुद के बारे में जानने की कोशिश की हो, ज़िंदगी के मायने समझने के लिए आपने कोशिश की हो, इस तरह की स्टेज से भी आप मुझे लगता है कि आप पार पा चुके हैं, इस तरह की स्टेज से भी आप बाहर निकल चुके हैं। लेकिन जो तीसरा कार्ड हमारे पास में यहाँ पर आया है, ये वाला जो कार्ड है, दिस कार्ड, ये कोई अफ्रीकन मास्क की तरह का दिखता है, जो अफ्रीकन ट्राइब्स होती हैं, कबीले होते हैं, उनमें जिस तरह के रिचुअल्स के समय पे जो डांस किए जाते हैं और उस समय के जो मास्क वगैरह पहने जाते हैं, उस तरह का ये मास्क है यहाँ पे। आई डू फील लाइक कि आप काफ़ी ओल्ड सोल हैं, बहुत समय से आप इस धरती पर आते रहे हैं, और अब आपके जो जन्म हो रहे हैं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होने वाले जन्म हैं आपके, क्लैरिटी पाने वाले जन्म हैं आपके, केओस से बाहर निकलने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, ठीक है। तो ये जन्म आपने लिया ही अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट के लिए लिया है, और यही वजह है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिन्होंने आपको इस पाथ पर वापस से लाया। मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी जिस स्टेज पर हैं अवेकनिंग की, आप अपना अपना प्योरिफिकेशन अपना कर रहे हैं, अपना हीलिंग वर्क आप कर रहे हैं, और आप ज़िंदगी के सही और डीप मायने तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के बाद क्या होता है, जैसे स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, इस तरह के प्रश्नों के जवाब पाने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप प्रेयर्स कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेयर्स कर रहे हैं, मे बी आप किसी तरह के रिचुअल्स कर रहे हों, पूजा पाठ प्रार्थनाएं, किसी विशेष प्रकार के रिचुअल्स, थेरेपीज, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी साइकिक की हेल्प ले रहे हों, किसी ओरेकल की आप हेल्प ले रहे हों चीज़ों को समझने के लिए, और
आपके अपने अंदर भी, आपकी अपनी साइकी भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, जो कि क्लैरिटी का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है। तो आपकी साइकिक पावर्स धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सेकंड स्टेज पर हैं। वेकिंग अप कॉल के बाद जो हीलिंग की स्टेज आती है, आप उस स्टेज में यू आर हीलिंग योर पास्ट वूंड्स, योर पास्ट ट्रॉमास, यू यू आर फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ट्रू मीनिंग ऑफ वॉट अ स्पिरिट इज, वॉट यूनिवर्स इज, हाउ यूनिवर्स वर्क्स, इस तरह की चीज़ों को आप समझने की डीप अंडरस्टैंडिंग की आप कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जिसको हम बोलते हैं ना कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो काफ़ी माइंडफुलनेस का कार्ड है, तो आप माइंडफुल मेडिटेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने पास्ट को छोड़कर और फ्यूचर की चिंता ना करते हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, इनर ग्रोथ करने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप हीलिंग की स्टेज में हैं अभी इस वक्त, आपकी हीलिंग चल रही है, विच इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, वो कम्प्लीट नहीं हुई है। आप जिंदगी के बारे में क्लैरिटी पाते हुए और एक फोकस के साथ, अब आप एक एम के साथ, एक फोकस के साथ आगे बढ़े। पहले जो आप क्योटिक आपकी लाइफ होगी, आपको खुद ही क्लियर नहीं हो रहा है कि मुझे जाना क्या है, करना क्या है, वो चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए क्लियर हो रही हैं। लोगों के साथ आप बाउंड्री मेंटेन कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट कर रहे हैं, अपने लिए स्पेस क्लियर करने का काम आप कर रहे हैं, जो कि सारा कुछ लगभग सेकेंड स्टेज हम उसको कह सकते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ हीलिंग। और उसके बाद आपके लिए यहाँ पर गोल्डन स्पाइरल कार्ड है। ये स्पाइरल कार्ड का मतलब ये है कि आप एक क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी इज एन स्पाइरल जर्नी, तो आप लगातार लगातार यात्रा करते हुए, लगातार निरंतर आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक हार्मोनी पाने की दिशा में, बैलेंस पाने की दिशा में आप बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भले ही आपको ऐसा लगता होगा कुछ समय में कि जहाँ से चले थे वहीं आ गए, लेकिन आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पाइरल पाथ पर आपको पता नहीं होता कि आप एक्चुअल में कितना आगे आए, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक ही जगह गोल गोल घूमे जा रहे हो, पर आप एक ही जगह गोल गोल नहीं घूम रहे, आप लगातार ऊपर चढ़ रहे होते हो जब आप एक स्पाइरल पर बढ़ते हो। तो आपको ऐसा भले ही लगता होगा कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप अटक गए हो, रुक गए हो, लेकिन देखिए आपके लिए डेजर्ट पैसेज का कार्ड भी आया, आपके लिए पैसेज बन रहा है, आपके लिए आगे का मार्ग खुल रहा है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हो, लेकिन लगातार आप अपने लिए आगे का पैसेज, आगे का मार्ग आप अपने लिए तैयार करते जा रहे हो। और कहीं ना कहीं एक गाइडिंग लाइट है, शायद इंटरनल इंट्यूशन हो सकती है, या आपके गाइड्स हो सकते हैं, जो आपको लगातार, मे भी आपकी थर्ड आई पर आपको कुछ विजन्स आ रहे हैं, आप लगातार गाइडेड हो, एक डेफिनेट डायरेक्शन में बढ़ने की दिशा में आप लगातार, आपको गाइडेंस मिल रही है। और ये गाइडेंस या ये रास्ता अभी आपके लिए काफ़ी अननोन होगा, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में डर भी लगता है, कहीं ना कहीं आप बार बार अपने आप को रोक भी लेते हो, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, टेकिंग एक्शन लगातार, आप देख रहे हैं कैसे छलांग लगा के नेक्स्ट स्टेज पर जाने की ये बंदा कोशिश कर रहा है, ये फिगर। तो आप जिस तरीके से आगे बढ़ते रहे हो, इसी तरीके से नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से आप चलते रहे, तो बहुत जल्दी आप अवेकनिंग के नेक्स्ट स्टेज के अंदर, यानी ब्लिस, जिसको हम बोलते हैं ब्लिसफुल स्टेट के अंदर आप एंटर कर जाएंगे, लगातार बिना डर के अगर आप इसी तरीके से काम करते रहे तो। इसलिए हेजिटेट मत कीजिए, आप सही पाथ पर हैं, आप विक्ट्री की पाथ पर हैं, आप ब्लिसफुलनेस को पाने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया है, एवरी रिलेशन आई एस्टेब्लिश इज इटर्नल। आप स्वयं के साथ में एक इटर्नल रिलेशनशिप, स्वयं को, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी होती है स्वयं को पाने की जर्नी, स्वयं को पहचानने की जर्नी, तो बहुत ही जल्दी आपका अपने खुद के साथ एक कनेक्शन डेवलप होगा, आपकी खुद से मुलाकात होगी, जिसको हम यूनियन विद सेल्फ कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज पर आप जो आप जाओगे, दैट विल बी ए यूनियन स्टेज, विच विल बी ए यूनियन ऑफ सेल्फ स्टेज, जिसको आप पा लेंगे बहुत ही जल्दी। और इसके बाद में हमारे पास कार्ड है आपके लिए पिलर ऑफ लाइट कार्ड, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। मेडिटेट कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने की कोशिश कीजिए, आपकी वाइब्रेशंस लगातार बढ़ रही हैं,
थ्री डी मटीरियल लाइफ से ऊपर उठकर 5D स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ धीरे धीरे आपका कॉन्शियसनेस मूव कर रहा है, बिल्कुल सही दिशा में आप जा रही हो। यू आर द ओरेकल। जो गाइडेंस आपको, इंटरनल गाइडेंस आपको मिल रही है या बाहर से भी, दूसरे सोर्सेज से भी आपको जो भी गाइडेंस यूनिवर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, उस गाइडेंस को बहुत ध्यान से सुनिए और इसी तरीके से ब्रेवली आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही जल्दी आप सेल्फ रियलाइजेशन और ब्लिसफुल स्टेज को आप पालेंगे। अगर अब तक की रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को पूरा देखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे से गाइडेंस मिल सकती है तो आप मेरे साथ एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। आप कौन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, उनमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको कहीं अटक गए हैं आप, और आप कैसे उसमें से आगे बढ़े। अगर इस तरह के सवाल और उलझने आपके अंदर हैं और आप जानना चाहते हैं उनके आंसर्स, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक करवाइए और उस सेशन के अंदर हम बात करेंगे। इन्हीं स्टेजेस पर मैं आपको और अच्छी तरह से गाइड करूंगी। आप कौन सी स्टेजेस को फेस कर रहे हैं, कौन सी स्टेजेस आपने स्किप की है, कौन सी स्टेजेस आप फ्यूचर में फील कर सकते हैं, और कैसे जहां जहां भी है, जब भी आपको अटकाव महसूस होता है तो उसमें से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और एक स्मूथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप कैसे जा सकते हैं, ये सब जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल सेशन। और चलिए देखते हैं आगे के कार्ड्स। तो पाइल नंबर 2 आप जिन्होंने भी चूज किया है, और डेफिनेटली दे आर नॉट इन ए वेरी गुड स्टेटस ऑफ माइंड, और उनके बाकी कार्ड्स भी जो शो कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड जो यहाँ पे नजर आ रहा है 5 of Cups कार्ड, विच इज अ कार्ड ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन, नॉट फीलिंग गुड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि दो बातें हो सकती हैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 पीपल। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आपने अभी तक कोई सीरियस स्पिरिचुअल वर्क शुरू ही नहीं किया है, कोई सीरियस हीलिंग वर्क आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया है, और आप अभी भी बहुत ही अधिक अपनी मटेरियल लाइफ में, अपनी ज़िंदगी की डे टू डे प्रॉब्लम्स में आप इतने अधिक फंसे हुए हैं कि भले ही आप चाहते हैं कि आप किसी तरह से अपने आप को एनलाइटन करें, आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ें, लेकिन बहुत अधिक काम अभी तक आप इस पर बिल्कुल नहीं कर पाए हैं, वन थिंग। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि प्रीवियसली आपने काफ़ी अच्छा काम किया होगा, कुछ समय तक आपको उसके रिजल्ट्स भी आए होंगे, एक ब्लिसफुल स्टेट में भी आप पहुंचे होंगे, फिर अचानक से जैसे एक डाउनफॉल आ जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि सारा किए कराए पे पानी फिर गया, या फिर मैं वापस वहीं पहुंच गया जहां पर मैं था। तो इस तरह की स्टेज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो पहली स्टेज जो हमारी है, या तो आप लोगों ने अभी तक कदम ही नहीं रखा है, आपने अभी तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट ही नहीं किया है। हालांकि ऐसा मुझे बहुत कम लोगों के लिए लगता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो आप इस चैनल तक पहुंचना भी आपका बहुत मुश्किल था। तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो मुझे आपके लिए ज़्यादा लगती है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी प्रयास करते रहते हैं अपने लिए समय निकालने के लिए, हीलिंग्स के लिए, मेडिटेशंस के लिए, हायर स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए आप समय निकालना चाहते हैं, लेकिन मे बी आपकी लाइफ की सर्कमस्टांसेस, करियर की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से आप बहुत अधिक डिवोशन नहीं दे पाते हैं, या फिर यू आर गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड, जो कि अक्सर ब्लिसफुल स्टेज के बाद में आने वाली स्टेज होती है। जब भी हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में जब हमारी हीलिंग नहीं होती उस वक्त, जब तब तो हम खैर केओटिक हमारी लाइफ होती ही है, दैट इज, लेकिन हम इस अनअवेकन स्टेज में उस समझ नहीं पाते कि वो हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार हील हो जाते हैं, आप काफ़ी बैलेंस हो जाते हैं, और फिर दोबारा से एक अंधेरा आपको आ घेरता है, एक निराशा, एक अवसाद की स्थिति आपको आ घेरती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि उनके साथ ऐसा होता है कि जब वो मेरे साथ कोर्स में थे तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था, ब्लिसफुल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यस थिंग्स आर वेरी गुड गोइंग, द लाइफ इज़ गोइंग नाइस, लेकिन जैसे ही वो मुझसे कट ऑफ होते हैं फिर वो कहते हैं कि हमको फिर से वैसा ही उदास सा लगने लग गया, घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, खुद पे से विश्वास उठने लगा, उस तरह की सिचुएशन मुझे इसमें कार्ड में ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोग एक डार्क नाइट ऑफ द सोल एनर्जी से गुजर रहे हो, एक कठिन समय में। स्पिरिचुअल जर्नी पर यह समय आता ही है, जैसा कि आप अगर आप कार्ड नंबर 1 में देखेंगे तो वहां पर स्पाइरल डांस कार्ड आया था हमारे पास। स्पिरिचुअल जर्नी पर ऐसा होता ही है कि आप एक हाइट अटेंड करते हैं और अगेन आप फिर से एक डाउनफॉल आता है आपके अंदर, यानी आप
स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा एक बम्पी रोड की तरह होती है। आप हाइट्स अटेंड करते हैं और फिर आप वापस लोज में जाते हैं, आप हाइट्स अटेंड करते हैं फिर आप वापस लोज में जाते हैं। तो ये वाला जो कार्ड पाइल जिन्होंने चुनी, मुझे एक लगता है कि एक स्टेट ऑफ ब्लिस में जाने के बाद, एक स्टेट ऑफ हाई एनर्जीज में जाने के बाद फिर से किसी वजह से आप लो फील कर रहे हैं अगर, तो आपको फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपको फिर से अपने आप पर भरोसा करके, डिवाइन पर भरोसा करके, हीलिंग प्रोसेस पर भरोसा करके आपको ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ फिर से जुटने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड आपका ज़्यादा लंबा चल सकता है। आता ये पीरियड सभी के अंदर है, आपके अंदर अगर ऐसा पीरियड आया तो कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन जितना जल्दी आप इस पीरियड में समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, उतना ही जल्दी आप इस नेगेटिव स्टेज से आप बाहर निकल सकेंगे। डार्क नाइट ऑफ द सोल कुछ दिनों से लेकर, कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक लंबी हो सकती है। आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितनी जल्दी इस नेगेटिव स्टेज में से बाहर निकाल सकते हैं। ये जो कार्ड है आपके लिए, इस कार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तरह का कोई प्रीस्ट जैसी एनर्जी हमको नज़र आ रही है। कोई ट्राइबल प्रीस्ट जो होते हैं, कोई उस तरह का मुझे समझ में आ रहा, माया सभ्यता के जो अटायर वगैरह है माया सभ्यता से रिलेटेड है। तो यू आर ऑल्सो एन ओल्ड सोल, जैसे कि पहले में फर्स्ट में आया था, यू आर ऑल्सो एन ओल्ड सोल, आप भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप हार्डवर्किंग हो और आप स्पिरिचुअल भी डेफिनेटली हो, और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मुझे लगता है रिचुअल्स, पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, इस तरह की चीज़ों में आप काफ़ी बिलीव करते हो, आपने काफ़ी ये प्रैक्टिसेस की हुई भी हैं। लेकिन फिर अगेन वही बात है कि यहाँ पर जो बी कार्ड आया है, बी आपको पता है एक वर्कर बी जो होती है वो सिर्फ काम करती रहती है, कार्मिक एनर्जी है एक तरह की। आप फिर से अपनी लाइफ में कार्मिक साइकिल में उलझ गए हैं, रिलेशंस की वजह से, लोगों की वजह से, या फिर आपका लाइफ का इस समय का आपका एज ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि काम के बिना नहीं चल सकता, रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए काम करना पड़ेगा, घर चलाने के लिए काम करना पड़ेगा, और यू आर लाइक स्टक इन द 3D मटीरियल लाइफ। आप स्टक हो चुके हैं अपने करियर में, अपना रूटीन लाइफ में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप इतने स्टक हो चुके हैं कि आप चाह कर भी आपको ना स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने के लिए भी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके आसपास के लोग इस तरह के हैं, नेगेटिव कह सकते हैं उनको, या नॉट सो स्पिरिचुअली अलाइंड कह सकते हैं, ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो कि धार्मिक तो हो सकते हैं, जो रिचुअल्स में बिलीव करते होंगे, पूजा पाठ कर्म कांड में बिलीव करते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिट से कनेक्टेड नहीं है, और इस वजह से आप उन लोगों के साथ अपने आइडियाज़ भी शेयर नहीं कर सकते, और इसलिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि अपने आइडियाज़ अपने तक ही रखें, चुपचाप रहा जाए। अपने आइडियाज़ लोगों से शेयर करूंगी तो लोग मुझे अजीब समझेंगे, या लोग सोचेंगे कि ये पागल की तरह बिहेव करती है, पागल की तरह सोचती है, अजीब सी बातें करती है। तो इसलिए, और ऐसे लोगों के आपके आसपास होने की वजह से ना आप भी अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपको खुद को भी कई बार शक होने लगता है कि आप सही बात पर हैं या नहीं हैं। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअल हाइट अटेंड करने के बाद आप फिर से कार्मिक साइकिल में, फिर से नेगेटिव साइकिल्स में स्टक हो गए हैं, और आप अपने ही स्पिरिचुअल पाथ पर भी आप कहीं ना कहीं शक करने लगे हैं। मे बी रियल चैलेंजेस आपकी लाइफ में कुछ अभी इस वक्त ऐसे आ गए हैं, या जिनको हम कार्मिक अपहीवल्स इस तरह के कुछ आपकी लाइफ में आ गए हैं, कैसे कार्मिक चेंजेस आपकी लाइफ में आ गए हैं कि आपका दिमाग ना चाहकर भी अपने हीलिंग प्रोसेस में लग नहीं पा रहा है, या चाहकर भी जो सही है और जो गलत है समझता तो है लेकिन सही की दिशा में जा नहीं पा रहा, गलत को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा, या आप सीवियरली किसी तरह की कार्मिक प्रॉब्लम्स में उलझ गए हैं। यू आर बिजी लाइक अ बी, आप इतने ज़्यादा कर्मा में उलझे हुए हैं और डे टू डे लाइफ में उलझे हुए हैं कि आप चाह कर भी वो हाइट आप अटेंड नहीं करना कर पा रहे हैं। और यहाँ पे भी लेसन्स कार्ड है, वही बात ना, कार्मिक लेसन्स हैं अभी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको सीखने बाकी हैं। लोगों के साथ डील करके ही आप वो लेसन सीख सकेंगे, लोगों से अलग हटके मेडिटेशन में चुपचाप बैठ के वो लेसन्स आप नहीं सीख सकते, आपको इंडल्ज होना पड़ेगा, आपको कार्मिक लोगों के साथ में इन्वॉल्व होकर उलझ कर उन लेसन्स को सीखने का समय है अभी इस वक्त में। और इसीलिए आप कार्मिक अपनी ट्रबल्स को सुलझाने में लगे हैं, तो ज़िंदगी का मायना तलाश करने का आपके पास समय ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में आप इतने उलझे हुए हैं कि ज़िंदगी की बड़ी सच्चाई की ओर देखने का इस वक्त में आपको यह तो समय ही नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ दोनों बातें हो सकती है, या तो आप चाहकर भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के पाथ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपका एनलाइटनमेंट बहुत कच्चा है, बहुत कम है, और या फिर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, आपको चलते चलते शक होने लगा है, आप उलझ गए हैं, कहीं ना कहीं अटक गए हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो पुराना ओल्ड कार्मिक बैगेज है ना, उठकर आपके साथ, ऐसा हमेशा होता है, और आपके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, आप जब स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हो, एक लेयर को आप क्लियर करते हो तो नेक्स्ट लेयर का बैगेज ऊपर उठ के आ जाता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए उतना काफ़ी होता है, और आपको फिर से ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, मैंने इतना वर्क किया और मैं वहीं का वहीं आ गया, तो आपको फिर उस नेक्स्ट लेयर को भी क्लियर करना है, फिर आपको नेक्स्ट लेयर को क्लियर करना है, तो एक लेयर जब खत्म होती है और दूसरी लेयर जब वापस ऊपर आ जाती है, तो उसका जो डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है ना कि नथिंग इज वर्किंग, कुछ भी काम नहीं करा, उस स्टेज में आप मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि इतना करने पर भी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। फाइव ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कितना भी कर लिया, कितना कार्मिक रिलीज कर लिया, कितना लेसन सीख लिया, स्टिल चीज़ें मेरे लिए ठीक हो ही नहीं रही है, इस तरह के सैड डिप्रेस्ड एनर्जी में आप है, और इस स्टेज को कहा जाता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। आपको अभी और अपनी वीकनेसेस पर काम करना बाकी है, आपको अभी और अपने लेसन को सीखना बाकी है। वो फाइव ऑफ कप्स का अर्थ से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ में एक तरह से रायता फैला हुआ है, इतना रायता फैला हुआ है कि आपका भजन क्या, ध्यान क्या, उसमें आपका मन ही नहीं लग रहा, आपको ख्याल ही नहीं आ रहा है, और आप जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो चीज़ें खो गई हैं, जो आपको नहीं मिल सकती, नुकसान पर ही आपका ध्यान ज़्यादा है। गीता सार के वो शब्द आपको याद करने चाहिए ऐसे में, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, आपने जो लिया यहीं से लिया है, जो दिया यहीं पर दिया, जो गया वो आपका नहीं है। जब तक इस तरह की हाई स्पिरिचुअल थिंकिंग आपके अंदर फिर से नहीं आएगी, तब तक आप इस डिसअपॉइंटेड लाइफ, इस डिसअपॉइंटेड एनर्जी में से नहीं निकल पाएंगे, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टेज से आप पार नहीं पा सकेंगे। आपके लिए द क्रम्बलिंग कार्ड है, ये टावर की तरह का कार्ड है, जो चीज़ें जिंदगी में खत्म हो रही है, जा रही है, वर्कआउट नहीं कर रही, उनसे चिपक के रहने का कोई फायदा नहीं है, लेट गो की एनर्जी है यहाँ पर। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देने की ज़रूरत है, आपको बहुत सारी चीज़ों को जाने देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ लिखा है क्लीन द एयर डिस्टेंट थंडर, आने वाले तूफान को, आपके अंदर जो तूफान आ रहा है इसको थामने का तरीका ही है कि जो नहीं है उसको जाने दिया जाए, और अपने लिए जगह को साफ किया जाए, अपने दिमाग को शांत किया जाए। मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब है कि आपकी लाइफ आपको एक मेजर चेंज लाने के लिए कह रही है, आपकी लाइफ आपको कह रही है कि आपको मेजर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपने थिंकिंग पर्सपेक्टिव में आपको मेजर चेंज करने की ज़रूरत है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड मेजर चेंजेस हों, या जॉब से रिलेटेड चेंजेस हों, या सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंजेस हों। चीज़ें क्रश डाउन हो रही हैं और आप नहीं चाहते कि चीज़ें इस तरह से ख़राब हो, लेकिन आप एक बात को ध्यान रखिए कि जब आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर होते हो ना, तो आपके पुराने दोस्त, आपके पुराने साथी, आपके पुरानी जॉब्स, वो आपके हाथ से छूटेंगी ही छूटेंगी, क्योंकि आप जब उनके वाइब्रेशनल मैच नहीं हो तो वो छूट जाएंगी। जो छूट रहा है उसको आप अगर पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपना ही मार्ग, कहीं ना कहीं आप अपना ही रास्ता अवरुद्ध कर रहे हो, अपने ही आपकी एनर्जीज को, आप अपने ही आप डेवलपमेंट को आप कहीं ना कहीं जैसे सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, आप अपनी ही हीलिंग में स्वयं बाधा बन रहे हो, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर लगता है, ठीक है। इसलिए आपको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको सुलझे हुए दिमाग के साथ आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नहीं सुलझोगे तो भी चीज़ें जो ख़त्म होनी वो हो ही जाएंगी, क्योंकि इतना डेवलपमेंट तो आपका हो ही चुका है कि लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें से अब आप मैच नहीं कर पाएंगे आगे अपनी लाइफ में कभी भी। और इसीलिए आपके लिए यहाँ पर कार्ड है फॉलोइंग योर ब्लिस, अपनी ब्लिस की दिशा में बढ़िए, अपने आनंद की दिशा में बढ़िए, जो चीज़ें छूट रही हैं उनको छोड़ के जाने दीजिए। माई सोल सिंग्स विद जॉय, उस दिशा में बढ़िए जहाँ सोल को, जहाँ आपकी आत्मा को, आपको आत्मिक शांति मिलती है, उस दिशा में आप बढ़िए। और यहाँ पर आपने लिखा है कॉजिंग पेन फॉर अदर्स वुड अट्रैक्ट पेन टू मी, हाँ आप, मुझे ऐसे लगता है कि आप ना अभी भी इस उलझन में उलझे पड़े हो कि दूसरे को पेन देकर कहीं मुझे भी पेन तो नहीं मिलेगा। जिन लोगों को आपको छोड़ देने की ज़रूरत है, आप सिर्फ शायद किसी मेंटल अटैचमेंट की वजह से, या वो लोग क्या सोचेंगे उस वजह से उन लोगों से चिपके हुए पड़े हुए हो आप, आपको ऐसी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, और अपने अपने पाथ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप इस स्टक एनर्जी में से, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टेज में से आप बाहर निकल पाओगे।
अगर अब तक की रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को पूरा देखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे से गाइडेंस मिल सकती है तो आप मेरे साथ एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। आप कौन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, उनमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको कहीं अटक गए हैं आप, और आप कैसे उसमें से आगे बढ़ेंगे, इस तरह के सवाल और उलझने आपके अंदर हैं और आप जानना चाहते हैं उनके आंसर्स, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक करवाइए। और उस सेशन के अंदर हम बात करेंगे इन्हीं स्टेजेस पर, मैं आपको और अच्छी तरह से गाइड करूंगी आप कौन सी स्टेजेस को फेस कर रहे हैं, कौन सी स्टेजेस आपने स्किप की है, कौन सी स्टेजेस आप फ्यूचर में फील कर सकते हैं, और कैसे जहां जहां भी है जब भी आपको अटकाव महसूस होता है तो उसमें से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और एक स्मूथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप कैसे जा सकते हैं, ये सब जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल सेशन। और चलिए देखते हैं आगे के कार्ड्स। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने आउल को चूज किया है, वाओ, दिस इज द मोस्ट स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, दीज आर द मोस्ट स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पीपल हु हैव चूजन दिस पाइल नंबर 3। सी वॉट आई कैन सी हियर, देखिए यहाँ पर विजडम लिखा हुआ है, आउल के साथ यहाँ पर विजडम लिखा हुआ है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ, एक आउल और यहाँ बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो वाइट आउल, ओके। तो यहाँ पर आउल रिपीटेड है, और आउल जो होता है वो विजडम का प्रतीक होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है, समझदारी का प्रतीक होता है, और अंधेरे से लड़ाई का प्रतीक होता है। उल्लू ही एक ऐसा जानवर है जो अंधेरे में भी आसानी से आंख खोलकर देख पाता है, अपनी डार्कनेस के थ्रू भी अपने आप को पहचान पाना, अपने आप को समझ पाना, अपनी डार्कनेस में जागृत होना, हम कब नेगेटिव हैं, हम कब वीक हैं, हम कब डार्क साइड से ऑपरेट कर रहे हैं, इसकी खुद को अवेयर होना, इस तरह की विजडम आप लोगों ने गेन कर ली है। दूसरा व्यक्ति आपको पॉइंट आउट करके बताया कि आपकी ये गलती है, आपकी वीकनेस है, नहीं, आप इस लेवल पर हैं कि आपको खुद पता है कि आपको आप कहाँ पर गलत जा रहे हैं और आपको कहाँ खुद को करेक्ट करने की ज़रूरत है। इस लेवल का स्पिरिचुअल विजडम आप लोगों ने डेफिनेटली अटेंड किया है। और इसके अलावा आप अगर यहाँ देखेंगे यिन यांग, ये कार्ड भी है, यिन यांग कार्ड ही आया, यिन यांग कार्ड, आउल एंड रेवन इस पर लिखा हुआ, यिन यांग ये कार्ड है, यानी कि आपके अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनिन का परफेक्ट बैलेंस, एनर्जीज का परफेक्ट बैलेंस आपके अंदर बन चुका है, लॉजिकल माइंड और स्पिरिचुअल माइंड का परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट कनेक्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, ठीक है। तो एक माइंड, अगर माइंड लेवल पर देखें, सोल लेवल पर देखें, बॉडी लेवल पर देखें, हर तरीके से एक बहुत ही ब्यूटिफुल वाइज डेवलपमेंट आपका हुआ है, एक बहुत ही हाइट पर आप पहुंच चुके हैं, स्पिरिचुअलिज्म के बहुत ही हाइट पर आप पहुंच चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप टॉप पर हैं, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत लंबी जर्नी तय करके एक बहुत खूबसूरत चेंजेस के थ्रू आप डेफिनेटली गुजर रहे हैं। एंड सेकेंड चीज विच आई कैन नोटिस इज फ्रॉम दिस कार्ड, दिस इज अ हाई प्रीस्ट कार्ड, काइंड ऑफ अ हाई प्रीस्ट कार्ड, हिब्रू हाई प्रीस्ट यहाँ पर बने हुए हैं। वॉट इज हैपनिंग विद दिस कैमरा, सॉरी गाइज। तो यहां पर हिब्रू हाई प्रीस्ट बने हुए, मिशन वर्क, यू आर स्पिरिचुअली एनलाइटेंड एंड यू आर ऑन योर मिशन वर्क, यू आर गाइडिंग अदर पीपल्स टू डू देयर स्पिरिचुअल वर्क, टू कम इन टू लाइट, इस तरह का मिशन वर्क पर आप पहुंच चुके हैं। इतनी हाई एनर्जीज डेफिनेटली है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड अगेन यहाँ पर भी आया, लेकिन अगर आपने फर्स्ट जो हमारा पास पाइल थी उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाई कार्ड था, बट दिस इसमें आप अगर आप देखेंगे ना तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फुल इन फुल पावर, डिवाइन फेमिनिन इन हर फुल पावर, और अगर आप इस कार्ड को देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन इन हिज फुल पावर। तो अगर आप एक मैस्कुलिन वॉचिंग है या आप फेमिनिन वॉचिंग है, जेंडर की बात यहाँ पर नहीं हो रही, लेकिन आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है, यू आर अ कंप्लीट ह्यूमन बींग फ्रॉम विद इन, यू आर होल फ्रॉम विद इन, यू डोंट नीड एनी आउटसाइड पर्सन, एनी आउटसाइड मेल, एनी आउटसाइड फीमेल टू कंप्लीट यू। यहाँ पर भी यिन और यांग का कार्ड है, यू हैव आपकी कंप्लीट इंटरनल यूनियन हुई है, आपकी यूनियन डिवाइन के साथ हुई है, और मोस्ट पॉसिबली बहुत सारे लोगों की अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ भी आप यूनियन में होंगे। डेफिनेटली एक बहुत ही सटल, एक बहुत ही खूबसूरत यूनियन को भी आप इस समय में गेन कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कार्ड है वाइज लीडर, कितनी बार विजडम कार्ड यहाँ वाइज लिखा हुआ है, ये लीडरशिप का कार्ड है, ये लीडरशिप का कार्ड है, ये लीडरशिप का कार्ड है,
ठीक है। तो आप ना सिर्फ आप हील हो चुके हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पा चुके हैं, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आपको हो चुका है, बल्कि यू आर अ स्पिरिचुअल लीडर नाउ, यू आर ऑन योर मिशन वर्क नाउ, यू आर अ बीकन ऑफ लाइट फॉर अदर्स। आपने लाइट होल्ड करी है कि आपकी होल्ड की हुई लाइट में बहुत सारे दूसरे लोग अपने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को पा सकें, ऐसी लाइट आपने गेन की हुई। और देखिए इसका वजह, ये हाइट ऐसे ही नहीं मिलती। कार्ड है आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अ कार्ड ऑफ इनर वर्क। आपने इस स्टेटस को गेन करने के लिए बहुत डीप इनर वर्क किया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आई डेडिकेट माई सेल्फ टू वॉट आई बिलीव इन। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर बिलीव करते हो पूरी तरह से, यूनिवर्स पर आप डेडली बिलीव, आपका बिलीव है गॉड पर, आप पूरी तरह से बिलीव करते हो। कंप्लीट सरेंडर के साथ, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने बहुत हार्ड इनर वर्क किया है और अपने आप को डेडिकेट किया है कि मैं अपनी हीलिंग करके रहूँगा, इस लाइफ टाइम में मैं अपनी हीलिंग करके रहूँगा। जो जो कुछ भी प्रोसेस से मुझे गुजरना है, चाहे वो प्रोसेस कितना ही कठिन हो, आपने ओपन हार्ट के साथ, ओपन माइंड के साथ बहुत कठिन प्रयास किया है और इसीलिए आज आपके लिए ये कार्ड्स यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले हुए हैं। और आप जानते हैं जिस तरीके से फाइल्स में कभी कभी जब रिकॉर्ड करती हूँ, ये सारे कार्ड्स ऑटोमेटिकली फ्लू आउट होकर आते हैं। जब भी फाइल्स बनती हैं इसका आप देखिए कैसे रिपीटेड पैटर्न्स में आते हैं। एट ऑफ इनर वर्क का कार्ड है, इनर वर्क के बाद में यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस, इधर लीडर कार्ड, इधर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस, इधर मैस्कुलिन, व्हाट टू से, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपने अंदर की इंट्यूशन, अपने अंदर की इंटरनल गाइडेंस को फॉलो करते करते आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं। इस हाइट तक जो आप पहुंचे हैं, आपकी इंटरनल गाइडेंस ने ही आपको पहुंचाया है। और अब इस समय में तो आप यू आर नॉट ओनली लीडर, यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर। आप वो क्रिएट कर रहे हैं जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। लिखा है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मैनेजिंग माई एक्सपांशन। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप स्पिरिट के साथ में, यूनिवर्स के साथ में अपनी लाइफ को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। ओके, और अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पर ये जो हाई प्रीस्ट यहाँ पर बना है, कंप्लीट इल्यूमिनेशन में है, कंप्लीट लाइट में है। आप इसने हाथ में, आपने देखने कैसे इसने कैंडल्स पकड़ रखे हैं, यहाँ पर भी आप देखोगे तो कैंडल पकड़ा हुआ है। यू आर द लाइट होल्डर फॉर योर ट्राइब, फॉर योर कम्युनिटी। आपने इस स्पिरिचुअल जर्नी को विन किया है। यू आर द विनर ऑफ दिस स्पिरिचुअल जर्नी। और इस स्पिरिचुअल जर्नी को ख़त्म करने के बाद जो जॉय मिलता है, जो विजडम मिलता है, जिस तरह का फेथ डेवलप होता है, जिस तरह का एक कंपैशन डेवलप होता है, जिस तरह की शांति जिंदगी में मिलती है, जिस तरह की सच्चाई जिंदगी में उतरती है, जिस तरह का इक्विलिब्रियम जिंदगी में मिलता है, जिस तरह का अनकंडीशनल लव फील करता है इंसान, उस तरह की एनर्जी में आप हैं। और आप न सिर्फ आप हैं, बल्कि आप ऐसी एनर्जी में दूसरे लोगों को लाने के लिए आवाज़ दे रहे हैं। हम देख रहे हैं हाथ बढ़ाकर आप आवाज़ दे रहे हैं, कम टू मी आई विल गिव यू लाइट, कम टू मी आई विल गिव यू पीस, कम टू मी आई विल हील यू। इस तरह की आपकी बहुत ही एनर्जेटिक वाइब्रेशन से, बहुत हाई वाइब्रेशन हैं, और आप यू आर विलिंग टू डू द हार्ड वर्क फॉर दूसरे लोगों के लिए भी। आप वो जैसे आपने अपने लाइफ को डिवोट कर दिया है कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ दूसरे लोगों को पहुँचाऊँगा, ऐसा डिवोशन आपके अंदर है। जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हैं वो दूसरे लोगों को भी समझाने के लिए आप आवाज़ लगा रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं कि अपने दुखों से मुक्त होना है तो मार्ग मेरे पास है, यू कम टू मी आई शो यू द पाथ। इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ नज़र आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में पहुंच गए तो उसके साथ ही आपने बहुत प्रॉस्पेरिटी अटेंड की, आपने बहुत अबंडेंस अटेंड की है, आपका पर्सनैलिटी में बहुत सारा निखार आया होगा, बहुत वेल कॉन्फिडेंट आप हैं, एक बहुत हाई वैल्यू वुमन या हाई वैल्यू मैन की तरह अपने आप को आपने सोसाइटी में बहुत अच्छी तरह से आपने एस्टेब्लिश किया है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, है ना। और अपने अंदर की डार्कनेसेस को भी आप पहचानते। ऐसा नहीं होता कि जो व्यक्ति पूरी तरह से इस तरह एनलाइटन होता है कि उनके अंदर डार्क साइड्स नहीं होती, डेफिनेटली उनके अंदर भी डार्क साइड्स होती है, उनको भी काम करना बाकी होता है, लेकिन आपको पता है कि
आपके अंदर भी डार्क साइड्स हैं, आपको भी अभी और काम करने की जरूरत है, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब आप अपनी लाइट साइड को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, आप अपनी डार्कनेस को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, और उसको भी धीरे धीरे वर्क करके आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, और यही आप दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं, वाइस लीडर एंड उसके बाद यिन यांग कार्ड, आप लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे अपनी डार्कनेस पर काबू पाई जाए, कैसे अपनी वीकनेस पर काबू पाया जाए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए आपने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। और इस लेवल पर आने के बाद सिर्फ एक ही चीज से आपको बचने की जरूरत होती है, वो होता है स्पिरिचुअल ईगो से बचने की जरूरत होती है। जब आप इस हाईलाइट में होते हैं तो एक ही गाइडेंस मैं आपको यहां पर देना चाहूंगी कि इस लेवल पर आने के बाद सिर्फ एक ही काम आपको करना होता है कि आपको अपने स्पिरिचुअल ईगो से बचना है। पहले आपको मटेरियलिस्टिक ईगो से आप पार पा चुके हैं, वो ईगो आपका डेथ हो चुका है, लेकिन इस हाईलाइट में आने के बाद ना एक बार ईगो और इमर्ज होता है, मतलब ये मैं आपको स्टेज बता रही हूँ, नेक्स्ट स्टेज। इस लेवल पर आने के बाद में एक लेवल का आपके अंदर फिर से एक स्पिरिचुअल ईगो आता है, लेकिन अगर आप समझदारी के साथ ऐसे ही ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, आप ऐसे ही अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करके ऐसे ही हाईलाइट में समझदारी के साथ विजडम के साथ काम करते रहे तो आप स्पिरिचुअल ईगो को भी टैम कर लेंगे, आप स्पिरिचुअल ईगो को भी विन कर लेंगे, और आप ऑनेस्टी के साथ इस लाइफ टाइम में अपने सोल मिशन को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग, होप यू लाइक इट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी, बने रहिए मेरे साथ। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।